तो हे हेलो गाइस यार, कैसे हो सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज का थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ गए होंगे आज हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं हल्दिया कॉलेज कुछ काम के थ्रू, मैं और मेरे कुछ दोस्त। लेकिन इस ट्रिप का इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता है? सब कुछ है, सब कुछ मतलब कुछ। जैसे अभी साइकिल से गया, अभी जा रहा हूँ गाड़ी से, इसके बाद जाऊँगा नाव से, उसके बाद ट्रेन से, बस प्लेन को छोड़ के सब कुछ है। और भाई कौन सा स्टेशन जाऊँगा वो तो और भी मज़ेदार है। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहो। और हमें आज बहुत सारे नज़ारे देने को मिलेंगे सुंदर से, क्योंकि आज हम जिधर से जाएंगे ट्रेन से उस तरफ पूरा ही गाँव है। तो भाई गाँव का नज़ारा हमें देने को मिलेंगे, तो आई होप बढ़िया लगेगा आप लोगों को। तो ये है गेहूँखली और नूरपुर की टाइम टेबल। और जो प्राइस है इधर का टिकट वो है ₹8 एक पर्सन का। और साइकिल बाइक का अलग है, चाहो तो डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है मेरे पास, आप लोग चाहो तो चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो चलो फिर चलते आगे की साइड। तो ये सुंदर से नज़ारे देख के ना मेरे को एक लाइन है जरिए कि सुबह का खूबसूरती का ऐसा बस उससे ही होती है जो वक्त पर जाग जाए। जी हाँ यार, कितना सुंदर लग रहा है देखो, मतलब भाई मैं बता नहीं पाऊंगा इतना सुंदर लगा मेरे को। हम लोग सुबह सो जा रहे हैं इसलिए इतना सुंदर नज़र हमें देखने को मिला है। तो ये हम उतर चुके हैं गेहूँखली जेटी घाट, जैसे कि नज़र है कुछ इस तरह के इधर का। और हमारा जो ट्रेन का टाइम है वो है 8:30, तो इसलिए कोई टोटो या फिर ऑटो देखते हैं, उसके बाद चलते हैं स्टेशन तक, फिर आप लोगों को दिखाते आए कि सफ़र। तो सामने हमें टोटो मिलकर ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, तो अभी टोटो से चल रहे हैं। तो चलो फिर अभी स्टेशन तक चलते हैं। और हम जाने वाले हैं सतीश सामंत हॉल स्टेशन से, जो कि मेरा एक फेवरेट स्टेशन है। चलो फिर आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं, बात करते फिर। तो अभी आ चुके हैं और अभी ऊपर की साइड चल रहे हैं। और इधर पे ना बहुत सारे सीढ़ी है, लेकिन एक चीज़ भाई बढ़िया लगता है मेरे को कि दोनों तरफ जो ड्राइंग वगैरह किया ना, जिसका नहीं सब देखते देखते चलते हैं, तो और भी मज़ेदार लगता है हमें। और ऊपर का नज़ारे तो मतलब अमेजिंग है ही, और लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ बहुत बार, तो देख पा कुछ इस तरह है। तो भाई लोग यार, आज ना मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि जिस ट्रेन का आप लोगों को हर बार मैं बोलता हूँ कि भाई बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया लगता है मेरे को सबसे। और आज उस स्टेशन से ट्रैवल करने वाला हूँ, हल्दिया की तरफ जाऊँगा। तो यार भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, आज फर्स्ट टाइम इधर से जाऊंगा। तो देखते हैं अभी ट्रेन का भी टाइम आने में, अभी 10 मिनट बाकी है 8:30 बजे। और क्यों खाली है इतना, मेन जो चीज़ है पेट्रोल, 3 ट्रेन अप और डाउन पे 3, इसलिए लो होता नहीं है क्योंकि बहुत कम ट्रेन है, जिस कारण अभी समझ में आया। तो देख पाओ नज़ारा यार बहुत ही बढ़िया है, चलो जाके चल के दिखाऊंगा। तो वो हमारी ट्रेन आ रही है, और इस स्टेशन का मैं सब कुछ टाइम लिख दूंगा, ट्रेन का आने जाने का क्या टाइम है, तो सब कुछ लिख दूँगा, चिंता की बात नहीं। आप लोग चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर है सब कुछ। तो चलो अभी ट्रेन पर चढ़ते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को नज़ारे। तो भाई देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, इसलिए कहीं पर भाई बैठने का मौका मिला नहीं हमें, इसलिए अभी खड़े हैं। तो भाई देखते आगे चल के खाली होते हैं तो हम लोग बैठेंगे। तो चलो फिर, और नज़ारे इन्जॉय कराई, होप बढ़िया लगेगा। असाधारण दृश्य আছে। कुछ क्लिप आप लोगों को दिखाया कैसा लगा जरूर से कमेंट में बोलना, आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। बाकी आप देखो एक लाइन चला गया उस तरफ, तो वो जाते हैं हल्दिया डॉग कॉम्प्लेक्स, आप लोग नाम तो सुने होंगे, उस तरफ ही जाती है। और उधर से ज़्यादातर ट्रेन इस तरफ चलती है, तो जो भी और नज़र है तो मतलब इधर पर गाँव है, तो जिसने नज़र है तो भाई अमेजिंग यार, ऑसम, क्या ही बोलूँ यार, बहुत बढ़िया लगा हमें। तो चलो फिर चलते हैं। तो एक मज़ेदार चीज़ देखो, ये भी एक स्टेशन है, कोई बोलेगा देखो यार, मतलब लिटरली मैं तो पहली बार शौक हो गया, देखो यार भाई पानी लेने का है, इधर पर नाम भी लिखा स्टेशन का, लेकिन लोग नहीं है स्टेशन में। और भाई टिकट काउंटर मेरे को दिखा नहीं, इस टाइम का नाम है दुर्गा चौक, इसके बाद है दुर्गा चौक टाउन, वो थोड़ा पॉपुलर है क्योंकि टाउन वगैरह, इसलिए उधर पे लोग वगैरह है बहुत सारे। बाकी बहुत सारे नया नया चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। इधर से जो है हाईवे चलती है, और देख ही पा रहे हो आप लोग, और सही बता रहा हूँ जो नज़ारे आते थे हमको भाई दिखे ना यार, अमेजिंग है सीरियली, मज़ा आ गया। और भाई साहब इधर पे क्या सीन लग रहा है यार, बहुत बढ़िया। और आई थिंक ये हल्दिया डॉग करेक्टली तो नहीं पता मेरे को, नहीं ये नहीं है, सॉरी, इस स्टेशन का नाम है बंदर, क्या नाम है, चलो कोई ना, वो बात नहीं है। नज़ारे देखो यार अमेजिंग, और ट्रेन पूरा खाली, क्या नज़ारे है यार, मज़ा आ गया। ये बंदर स्टेशन है, देख पा रहे हो स्टेशन का नाम है बंदर। तो इधर पे हाईवे होने के कारण अभी सारे लोग, मतलब ट्रेन में जितने सारे थे ना, सारे दिखा जाए तो 95% लोग उतर गए, और ट्रेन देखो पूरा खाली बंदर स्टेशन है। और इस तरफ तो मतलब क्या ही बोलूँ, और देख पा रहे हो इधर की हालात बहुत बुरा है। तो इसके बाद ही आने वाला है हल्दिया स्टेशन,
बाकी यार जाते हैं तो हम एक चीज दिखा, ये वाला देखो भाई वाटर का पाइप, लेकिन बीच बीच में ऐसा क्या ऊंचा क्यों है? आई थिंक वाटर का जो फ्लो है उसको कम करने के लिए ऐसा कुछ हो सकते हैं, कारण तो नहीं पता, बट यार देखने में बहुत मजेदार लग रही है सही में यार, क्या ही लग रहा है। तो ये हमारा ट्रेन आ चुका है हल्दिया स्टेशन और ये इसका लास्ट ऑफिस है, इसके बाद और ट्रेन जाता भी नहीं है आगे भाई, पटरी भी है नहीं। तो यही ट्रेन अभी कुछ टाइम के बाद, जैसे अभी टाइम है 9:30, इसके बाद 9:50 पर यही ट्रेन फिर से रवाना होंगे पांचपुरा की तरफ। तो फिर चलो आगे दिखाते हैं। तो भाई देख पा रहे हो ये स्टेशन का नज़र है कुछ इस तरह का है, तो बहुत बड़ा स्टेशन है लेकिन भाई जैसा है भाई बढ़िया है, देखने में सुंदर है, बाकी लोग उतना है नहीं, जैसे कि देख पा रहे हो कुछ इस तरह के नज़र है ऊपर से, तो मतलब भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो चलो अभी उस तरफ चलते हैं, देखते हैं अभी कैसे जाएंगे, कि इसके बाद भाई आपकी पहली बार तो क्या कि हम लोग पहली बार आ रहे हैं जिस कॉलेज जाएंगे, कभी भी गया नहीं इस तरफ भी कभी आया नहीं, तो चलो फिर। तो स्टेशन पर उतरने के बाद हम लोग एक जो रास्ता दिखा रहा है मैप पर, मैं हम लोग उस तरफ आए बट इधर से घूम के आते बहुत ज़्यादा, और भाई ऑटो में तो मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, 3-3.5 किलोमीटर रास्ता है बोल रहा है 20 रुपये, तो इसलिए हम सोचे कि भाई पैदल ही चलेंगे। फिलहाल अभी बारिश आ चुका है तो अभी स्टेशन पर चलते हैं, उधर पर रुकते हैं, बारिश रुकने के बाद फिर जाएंगे, तो चलो फिर उधर से चलते हैं। हम लोग हल्दिया स्टेशन पर है और बहुत ज़ोरों से जो है बारिश आई है, जैसे कि देख पा रहे हो, इसलिए रुक चुके हैं हम लोग, बारिश रुकने के बाद जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता दिखा है, बहुत कम ही होगा डिस्टेंस, पैदल ही जाएंगे हम लोग। चलो फिर दिखाएंगे आप लोगों को बाकी हल्दिया स्टेशन का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो बारिश करीबन 40 मिनट तक हुआ, उसके बाद रुका है, तो अभी चल रहे हैं और ये चल रहे हैं जो स्टेशन है स्टेशन के पूरा अपोजिट साइड पर, ये जाता है रास्ता, इधर से हम लोग जाएंगे तो बहुत शॉर्टकट होगा। तो ये है HIT कॉलेज का मेन गेट और ये वाला कॉलेज ना देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया है सही में, मैंने कुछ देखा है तस्वीरें बहुत बढ़िया लगा हमें। बाकी इसके बाद ही है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम लोग ये वाला कॉलेज में जाएंगे, कुछ चीज़ें जानना है हमें जिस कारण जा रहे हैं हम लोग। तो फिर चलो यार आगे चल के दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हम लोग आ चुके हैं और अभी अंदर चल रहे हैं, वो वाला कॉलेज है सामने, और जो लेफ्ट साइड जितने भी देख रहे हो ये सारे वर्कशॉप है, जैसे कि सिविल हो, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक, ये सब चीज़ का वर्कशॉप है इस तरफ। बाकी देख पा रहे हो बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा जगह है। बाकी ये जो एक कॉलेज देख पा रहे हो ये भी एक कॉलेज है, ये है इधर का लॉ कॉलेज, लास्ट में वो दिखाऊंगा अच्छे से, तो चलो फिर अंदर चलते हैं। तो ये है कॉलेज के अंदर का कुछ नज़र है, मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो किया नहीं था, हमारा मेन मोटिव था जिस काम से आए हम लोग को वो पहले जाननी थी। बेसिकली हम लोग आए थे टेक्निकल रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चन थे, हम लोग कुछ नहीं जानते उतना कुछ, अभी तो हम लोग कभी पढ़े थोड़ी नहीं, आप लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे टेक्निकल रिलेटेड, तो इसलिए उतना कुछ जानते नहीं है, इसलिए हम लोग आए थे जानने के लिए। बाकी आके सही बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इधर पर हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड थे, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इन तीनों का जो हेड थे बहुत सारे सर आए और हम लोग को बहुत अच्छे समझे, सही बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत कुछ हमें जानने को सीखने को मिली है, तो आके हमें सही बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगा। तो अभी चल रहे हम निकल चुके हैं और अभी बाहर चल रहे हैं। तो ये है हल्दिया का मेला मार्ट, आप लोग बोल सकते हो इधर एक मेला होती है बहुत बड़ा लेवल का मेला, जिसको हल्दिया मेला बोला जाता है और बहुत बढ़िया होता है। इतनी सुंदर मोमेंट पर ना मेरे को एक लाइन याद आ रही है कि बारिश और चाय ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है यार, ये एक एहसास है जिसे पिया नहीं जाता जिया जाता है सही में। इतना सुंदर नज़ारे, साथ में एक कप चाय, आए हाय मज़ा आ गया था। तो आज का वीडियो इधर पर ही एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा, मेरे को तो भाई बहुत बढ़िया लगा आज का सफ़र, आप लोगों को कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बोलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।